हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज हम आपको देख रहे हैं एक बहुत महत्वपूर्ण प्लांट के बारे में बताऊंगा जिसको हमारी जो सेहत के लिए काफ़ी लाभप्रद होता है और इतना हार्डी प्लांट होता है, इसका हमारे जीवन में बहुत बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। उसका रीज़न ये है दोस्तों कि ये जो प्लांट हमारा देख रहे हैं आप, अभी मैं इसका नाम बताऊंगा। ये जो प्लांट देख रहे हैं ये हमारा ऑक्सीजन का बहुत बड़ा सोर्सेस है, हमको ऑक्सीजन देना प्रोड्यूस करता है और टॉक्सिन्स जो हमारे घरों में रहता है उनको एब्जॉर्ब करके और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है, ऑक्सीजन हमको रिलीज करता है। दोस्तों ये प्लांट है, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ आज हम इसके ये अरीका पाम है। दोस्तों अरीका पाम का जो नेचर है वो जो समुद्र के किनारे वाला एरिया रहता है वहाँ इसकी ओरिजिन हुई है। केरल साइड में इसकी बहुत है, कलकत्ता साइड में इसकी बहुत, जहाँ पर भी मुंबई के जो बीच होते हैं समुद्र के किनारे वहाँ इसकी ओरिजिन होती है, वहाँ सबसे अच्छा ये अरीका पाम चलता है। वहीं से इसको जो है ना हाइब्रिड करके एक छोटा सा रूप बना रखा है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये अरीका पाम है। दोस्तों ये अरीका पाम नहीं है, ये जो है ना ये पार्लर पाम है, इसी का एक ड्वार्फ फ्रूट टेबल के लिए बनाया है। आप देख सकते हो कितना खूबसूरत ये इसी में से बनाया है। ये देखिए बिल्कुल उसी तरह की वैरायटी है ये, पर दोस्तों इसको जो हम बोलेंगे वो है पार्लर पाम। अब हम एक दूसरी वैरायटी दोस्तों आपको दिखा रहे हैं। एक हमारे पास देखिए ये वैरायटी है और दोस्तों एक हमारे पास ये, देखिए दोनों में डिफरेंस आप देख समझ रहे हैं। एक देखिए ये देख हमारे पास देख रहे हैं 1, 2, 3, 4 एक ये वैरायटीज है। मैं दूसरी वैरायटीज आपको अरीका पाम की दिखाऊंगा, वो देखिए सभी की सभी पूरी अलग वैरायटी की है। और इसमें बीच में भी जो आप देख रहे हैं ग्राफिस पाम रखा हुआ, वो भी पाम की वैरायटीज है। और इधर भी देख रहे हैं दोस्तों ये रेफिस पाम है, ये भी एक पाम की वैरायटी है। तो जितने भी हमारी देख रहे हैं पिस्टल पाम, बोटल पाम, अरीका पाम, ये रेफिस पाम, ये जितने भी पाम आप देख रहे हैं इनकी ओरिजिन जो है ना बेसिकली वहीं से होती है जहाँ इसका मीडियम जो है ना साल्टी होना चाहिए। समुद्र के किनारे होने की वजह से इसका मीडियम साल्टी होना चाहिए। अब हम आपको महत्वपूर्ण पॉइंट ये बताते हैं कि देखिए मिड फरवरी हो गई है, फरवरी में हम अपनी ये जो प्लांट है हमारे इनमें क्या करना चाहिए जिससे ये पूरी पूरी गर्मियों में हमें बहुत लस ग्रीनेस और सुंदर दिखते रहे। उसके लिए एक महत्वपूर्ण पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें जो है ना दोस्तों ये अब इसकी गुड़ाई का समय आ गया है, निराई गुड़ाई का समय आ गया है, इसमें खाद देने का समय आ गया है। तो इस समय जो है ना हम क्या करेंगे अपने प्लांट में एप्सम साल्ट की एक एक चम्मच जो है ना सभी में दे देंगे। मैं दोस्तों एक थ्योरी आपको बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल करके नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। आप ना हो तो आप इसको नोट कर लीजिए, एप्सम साल्ट, एप्सम साल्ट की एक एक चम्मच जितने भी आप देख रहे हैं गमलों में सभी के सभी में डाल दीजिए और इसकी गुड़ाई कर दीजिए और इसमें 2 दिन के बाद इसमें पानी डालिए और 15 डेज के बाद आप इसका रंगत, इसका रूप, इसकी चमक आप सब कुछ प्रैक्टिकली देख सकते हो। इधर हम कुछ दूसरे तरह के हमने अरीका पाम लगा रखे हैं, वो भी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये देखिए हमारे दूसरे तरह के हमारे पाम हैं। इसमें मैंने कुछ को जो है ना मिक्स करके लगा रखा है। देखिए दोस्तों ये आप देख रहे हैं सभी अरीका पाम की दूसरी वैरायटी है ये, और वहाँ हमने जो दिखाया था वो अरीका पाम की दूसरी वैरायटी है। एक और आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए ये रेफिस पाम है, इतना हार्डी इतना खूबसूरत होता है। इसका भी ओरिजिन जो ना लगभग उसी जो जहाँ पर समुद्र का तट रहता है वहाँ इसकी ओरिजिन होती है और सबका जो नेचर है ना वो लगभग सेम है। तो एक ये देखिए वैरायटीज है, एक ये हमारी वैरायटीज है। यार हमने कुछ ड्रेसिंगा लगा रखी है उसको छोड़ देते हैं, बाकी मैं आपको सभी का सभी वन बाई दिखाता हूँ। देखिए कितने लेस ग्रीनेस, इसका रीज़न यही है कि दोस्तों ये बहुत हार्डी प्लांट होता है, इसकी रूट्स होती हैं काफ़ी रूट्स जो है ना हार्डी होती हैं और इसकी रूट्स जो है ना टेप रूट्स होती हैं, थोड़ी सी गहराई में जाती हैं। कभी कभी देखा गया है अगर इसकी रूट की ब्रांचेस कर देते हैं तो ये सेलो पॉट में भी लग सकता है। अब हम दोस्तों इसकी बात करते हैं कि इसको टेम्परेचर कैसे चाहिए होगा। मैं इसका टेम्परेचर के बारे में आपको बताऊं तो इसका टेम्परेचर जो है ना
करीब 15-20 मिनिमम इसको रख सकते हैं और इसको 40-45 तक भी जा सकता है। बशर्ते ये है कि दोस्तों ये जो प्लांट है हमारा, ये सेडेड एरिया में रहने वाला प्लांट है, इसको सेडेड एरिया में ही रखेंगे। सेडेड एरिया से मेरा मतलब है कि इसको छाया में रखेंगे जहाँ डायरेक्ट सन ना हो। जब कभी मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, अगर बहुत सन डायरेक्ट सन में होंगे तो दोस्तों इसके टिप्स देखिए, ये सूखने लगते हैं। ये इसका रीज़न है कि इस प्लांट में जो है ना बहुत ज़्यादा धूप लगी हुई है, इस तरह से इसके टिप्स हो जाते हैं। तो आप देख के प्लांट में जान सकते हो कि इसमें क्या क्या कमी है। इधर हम दिखाना चाहेंगे कि ये जो हमारे प्लांट हैं ये उसी तरह के प्लांट्स हैं, इसमें देखिए धूप नहीं लगी है, तो कोई भी पत्ती आप देख रहे हो कि पीली नहीं, इसकी टिप्स पीली नहीं और काफ़ी अच्छा चल रहा है, आप देख सकते हैं इधर। तो मैं अब इसका सेकंड पॉइंट ये लेता हूँ कि इसमें खाद कब देनी है। ये जो सीजन चल रहा है इस समय फरवरी, मिड फरवरी हो गई, इसमें जो है ना वर्मी कंपोस्ट, नीम की खली और मस्टर्ड केक, ये तीनों को मिला के आप अच्छी तरह से अगर इसमें डाल दोगे तो ये आपका बहुत घना भी होगा और बहुत अच्छा चलेगा भी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण हमारे जो टिप्स थे हमारे अरीका पाम के लिए, हमारे रैफिस पाम के लिए। हमारे दूसरी वैरायटी वो है, और तीसरा मैंने आपको बताया था कि पार्लर पाम। ये लगभग सभी पाम की वैरायटीज हैं, उनका नेचर लगभग सेम जैसा ही है। तो दोस्तों ये छोटा सा एक हमारे पास व्यूवर्स का, ये हमारे सब्सक्राइबर का फ़ोन आया था, बताइए कि हमें इसके बारे में क्या करें, हमारे पौधे सूख जाते हैं। तो ऐसे ये जो है ना साल्टी नेचर होने की वजह से इसमें आप एप्सन साल्ट जो है ना हर 5-6 महीने में ज़रूर डालते रहेंगे, तो आपका ये काफ़ी अच्छा चलेगा और काफ़ी खूबसूरत भी रहेगा। मैं आपको सारे एक बार दिखाना चाह रहा हूँ कि देखिए हमारी कितने खूबसूरत ये पार्लर हमारा आम चल रहा है। देखिए पार्लर नीचे रखा हुआ है, पार्लर नीचे रखा हुआ है, ये देखिए बाकी और दूसरी वैरायटी के हमारे अरीका पाम हैं, ये देखिए सभी के सभी हमारे अरीका पाम हैं और काफ़ी खूबसूरत चल रहे हैं। बरामदे में लगे हुए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी तरह का कोई इसमें। एक और मैं महत्वपूर्ण पॉइंट बनाऊँ दोस्त, इसमें कभी भी फ्लावर नहीं आती। इसको जो डिविजन होता है, इसका जो प्रोपोगेट होता है, इसका जो प्रोपोगेशन होता है, वो दोस्तों ये जो आप मैं आपको पास से दिखा रहा हूँ, देखिए इसका ये रूट्स हैं, आप देखिए इस रूट से जब भी हम आपका ये प्लांट जो है ना, अगर रूट बॉन्ड होगा, रूट बॉन्ड होने पे तो हम इसको बीच से कट करके इसको यहाँ से डिवाइड कर लेते हैं और इसको हम प्रोपोगेट कर लेते हैं। बाकी दोस्तों इसकी ये सीड से भी ग्रो होता है, कुछ सीड्स जो बाजारों में आते हैं पर बहुत डिफिकल्ट होता, आप नर्सरी से ला के इसको लगा लेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो ये बस छोटा सा एक हमारा प्रयास था आपको अरीका पाम के बारे में बताने के लिए। तो आप इसको स्किप मत करिए, आप प्रॉपर इसको देखिए। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, कोई क्वेश्चन है तो दोस्तों हमें बता दीजिए, मैं कमेंट बॉक्स में आपका आंसर जरूर दूंगा। और एक हर तरह की तरह मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप वीडियो को देखिए, समझिए। अगर आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यार दोस्तों के साथ बैठते हो, गपशप लगाते हो, चाय पे पानी पे भी जाते हो, कभी घूमने जाते हो, तो हमारे चैनल को भी दोस्तों शेयर जरूर करिए। थैंक यू।